अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर प्रेजेंट इन अवर सोशल स्टडीज क्लास। ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 13, दैट इज अ बिग गेम, द बिग गेम। आपको पता है गेम्स तो आई नो तमाम बच्चों को बहुत पसंद होंगे। आप लोग कौन कौन से गेम्स खेलते हैं? भाई बहुत सारे गेम्स खेलते होंगे आप लोग। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी भी कुछ बच्चे खेलते हैं, आई है ना, देखा है ना आप लोगों ने, मज़ा आता है। और कौन कौन से, चलो ये तो हो गए आउटडोर गेम्स। इनडोर गेम्स क्या क्या खेलते हैं? कैरम खेलते हैं, वाओ, लूडो, यस, चेक चेस्ट भी खेलते हैं, वेरी गुड। तो ये तमाम गेम्स हैं जिसे हम जानते भी हैं और मुझे पता है आप लोग खेलते भी होंगे। अच्छा, आज हम अपने इस चैप्टर में एक अलग से गेम के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि वो गेम जो है पाकिस्तान में खेला जाता है, और कौन से शहर में खेला जाता है पाकिस्तान के? चित्राल। और चित्राल कहाँ पर है? गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा शहर है, वादी है। अच्छा जी, तो उस वहाँ के लोग इस मैच खेलें या गेम खेलें बहुत शौक़ से खेलते हैं। आपको पता है इस गेम में पोनीज होती हैं, यानी कि जो हॉर्सेस होते हैं, है ना, हॉर्सेस जो होते हैं उन पर बैठकर जो प्लेयर्स होते हैं उनके हाथ में स्टिक होती है और वो बॉल्स को हिट कर रहे होते हैं, मगर हॉर्सेस पर बैठकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होता है, बहुत मज़ा आता है, हम उसे क्या कहते हैं, पोलो। चलें आज हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से खेला जाता है और लोग किस तरह से इसे इंजॉय करते हैं, ठीक है। चलें आज हम इसके कुछ न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जनाब, तो वो न्यू वर्ड्स आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स अपनी कॉपीज़ में उसे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और फिर अपनी टीचर से आप उसे चेक करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास न्यू वर्ड में क्या मौजूद है? गैलप। कौन सा वर्ड मौजूद है? गैलप। गैलप यानी कि बहुत तेज़ भागना, जैसे कहते हैं ना सरपट भागना, जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बस भागते रहना, तो हम उसे क्या कहते हैं? गैलप। अच्छा, हॉर्सेस जो हैं वो भाग रहे होते हैं। जब आपने देखा होगा, आई होप आप लोगों ने भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि हॉर्सेस किस तरीके से भाग रहे होते हैं, उसके ऊपर जो प्लेयर बैठे हुए होते हैं हॉर्सेस पर, वो बॉल के इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं, सब जो है वो बॉल को हिट करना चाहते हैं। उनके हाथ में क्या होती है? एक स्टिक होती है, रॉड की तरह। वो स्टिक से वो बॉल को जो है वो मारते हैं और गोल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, है ना। ऐसा ही है, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो घोड़े होते हैं वो भागते हैं, तो वो किस तरह से भाग रहे होते हैं, यानी कि उन्हें तो पता ही नहीं होता है, बस वो भाग ही रहे होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, बहुत सारे घोड़े गिर भी जाते हैं, ज़ख्मी भी ऑफ़ कोर्स होते ही होंगे। तो ये जो अंधाधुंध भागना जिसे कहते हैं, वो हम उसे कहते हैं गैलप, ठीक है। तो ये हॉर्सेज इस तरह से भागते हैं, हॉर्सेज रनिंग इज कॉल्ड गैलप, ठीक है। अच्छा, मैन्यूवर। अच्छा, मैन्यूवर क्या होता है, यानी कि मूव करना डिफरेंट स्टाइल्स में। जैसे हम जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं जो कि चल रहे होते हैं, ठीक है, जैसा मूव तो वो कर रहे हैं ना, जैसे चल रहे हैं, तो ये भी किस में आ जाती है? मूवमेंट में आ जाता है। बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, है ना, कुछ लोग जंप कर रहे होते हैं, ये सारी क्या होती हैं? ये मूवमेंट कहलाती हैं। तो मूव इन डिफरेंट स्टाइल्स में, यानी कि मूव करने को हम क्या कहते हैं? मैन्यूवर। क्या कहते हैं? मैन्यूवर। मूव इन डिफरेंट स्टाइल्स लाइक रन, जंप, हॉप और वॉक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड मैन्यूवर। जो डिफरेंट तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? मैन्यूवर। जी जनाब, अब यहाँ पर हमारे पास
यही वर्ड्स हैं जिन्हें हमने अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अब आपने क्या करना है, आपने जब ये वर्ड्स दोनों के आपने मीनिंग लिखनी है, और फिर आप जो हैं आपका जो होमवर्क टास्क है वो ये है कि आपने डिफरेंट गेम्स की पिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्रिकेट की आपको आसानी से मिल जाएंगी, फुटबॉल्स की आपको आसानी से मिल जाएंगी, हॉकीज की मिल जाएंगी, इसी तरीके से जो भी आपको गेम की पिक मिलती हैं वो आप फाइंड आउट करें और उसे अपनी कॉपीज़ में पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जो आपने ज़रूर करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। Thank you.